गुड मॉर्निंग बच्चों, अब तक आप लोग ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट पढ़ना, लिखना और पहचानना सीख चुके हो। आज हम पढ़ेंगे वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। जैसे हिंदी में शब्दों को लिखने के लिए आपको मात्राओं का प्रयोग करना पड़ता है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा और भी मात्राएं, तब नए नए शब्द बनाते हो। उसी तरह इंग्लिश में भी नए नए वर्ड्स बनाने के लिए आपको कुछ मात्राओं का प्रयोग करना पड़ता है और उन्हीं मात्राओं को हम कहते हैं वॉवल्स, यानी कि इंग्लिश में यूज होने वाली मात्राएं ही वॉवल्स कहलाती हैं। ये वॉवल्स कितने होते हैं? पांच। पांच यानी कि फाइव वॉवल्स इंग्लिश में यूज होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, क्यू। फाइव वॉवल्स होते हैं। इनको याद करने के लिए आप अपने फिंगर टिप्स पे इनको लिख लीजिए, ए, ई, आई, ओ, यू। फाइव वॉवल्स, फाइव फिंगर्स, और इनको फाइव टाइम्स बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये हो गए हमारे वॉवल्स यानी कि स्वर। अब इन ए से लेके जेड तक अल्फाबेट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक बन गए हमारे फाइव वॉवल्स। वो फाइव वॉवल्स को हटाने के बाद जो भी अल्फाबेट बच जाते हैं वो सब होते हैं कॉन्सोनेंट। कैसे? ए को आपने वॉवल में ले लिया, बी सी डी। ई को आपने वॉवल में ले लिया, एफ जी एच। आई वॉवल में आ गया, जे के एल एम एन। ओ वॉवल में आ गया, पी क्यू आर एस टी। यू वॉवल में आ गया, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो स्वर और व्यंजन इंग्लिश में वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स कितने हो गए? फाइव, ए, ई, आई, ओ, यू। और इन्हीं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को मिला के इंग्लिश में वर्ड्स बनाए जाते हैं जिनको हम आगे सीखेंगे। थैंक यू।